ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज की अगुवाई में साधु संतों की पेशवाई भी निकाली गई। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की पेशवाई ओलपी बाग से शंकराचार्य आश्रम से निकाली गई। इससे पहले भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की निकली पेशवाई शंकराचार्य आश्रम से निकली पेशवाई हजारों की संख्या में शामिल हुए साधु संत। प्रयागराज में लगने वाले महापर्व कुंभ में साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। साधु संत अपने अपने अखाड़ों की पेशवाई में शामिल होकर कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस वक्त पूरे प्रयागराज में उत्सव जैसा माहौल है। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज की अगुवाई में साधु संतों की पेशवाई भी निकाली गई। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की पेशवाई अलोपी बाग स्थित शंकराचार्य आश्रम से निकाली गई। इससे पहले भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पेशवाई चुंगीनाका जवाहर चौराहा से ओटी फोर्ट चौराहा त्रिवेणी मार्ग से श्रीराम जानकी मंदिर बांध के आगे गंगा पार संगम लोअर चौराहे पर पहुंची। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बने सोने चांदी से जड़ित रथों पर साधु संत भगवान महादेव के जयकारे लगा रहे थे। पेशवाई में काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के पूर्व शंकराचार्यों के चित्रों वाला रथ ठाकुर जी राधा कृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर संतों को नमन किया। ये हमारा जो है ना परंपराएं हैं, जो ज्योतिष पीठाधीश्वर जो है संध्या वासुदेवानंद सरस्वती अलोपी बाग से निकल करके और अलोपी बाग के जो छावनी है शंकराचार्य जी की ज्योतिष पीठ के, वो जो है अभी नहीं तो वो जो है वहाँ तक पहुँचेगी हमारी छावनी। ये मेला क्षेत्र में ही प्रवेश रहेगा। हाँ, आज के बाद वो मेला क्षेत्र में ही जो है ना उनका प्रवेश रहेगा। शंकराचार्य जी का प्रवेश जो मेला क्षेत्र में ही रहेगा। अपना परिचय दे दें। श्रीमान विद्यानंद सरस्वती प्रवक्ता जूना अखाड़ा कुंभ प्रभारी जूना अखाड़ा। शहर के केपी कॉलेज के पास से शुरू हुई भव्य पेशवाई में जगह जगह करतब भी देखने को मिले। पेशवाई के दौरान जगह जगह साधु संत अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। साधु संत ऊंट घोड़े हाथी पर बैठकर जब प्रयागराज की सड़कों पर निकले तो उन्हें देखने के लिए सड़कों पर लोग निकल आए। इस दौरान संतों ने लोगों को आशीर्वाद भी दिए और मेला क्षेत्र के लिए आगे बढ़ गए। ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी शंकराचार्य की आज शोभा यात्रा निकली है और वो शोभा यात्रा धीरे धीरे अपने शिविर की तरफ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं ये शोभा यात्रा भव्य और दिव्य रूप से निकली है। आप देख सकते हैं सामने जो है वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य ज्योतिष पीठ, आप वो अपने रथ पर सवार होकर धीरे धीरे अपने शिविर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये शोभा यात्रा पूरी भव्यता के साथ मेला क्षेत्र में आज प्रवेश कर रही है। आज इस शोभा यात्रा के प्रवेश के बाद शंकराचार्य वासुदेवानंद जी सरस्वती का जो वास है, जो उनका प्रवास है, वो यहाँ मेला क्षेत्र में शुरू हो जाएगा और जो उनके भक्त गण हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो यहाँ पहुंचकर उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और माँ गंगा यमुना सरस्वती में स्नान कर अपने लिए मोक्ष की कामना करेंगे और कल्पना करेंगे। आप देख सकते हैं किस भव्यता के साथ ये शोभा यात्रा इनके अलोपी बाग मठ से निकली और धीरे धीरे
जो ज्योतिष पीठ का यहां पर शिविर बना हुआ है। इससे पहले सुबह श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा की धर्म ध्वजा फहराई गई। आराध्य भगवान श्री रामचंद्र के जयघोष के साथ धर्म ध्वजा स्थापित की गई। मंडल में विचरण करने वाले 9 ग्रहों के लिए हवन किया गया। वहीं दूसरी ओर कुंभ मेला बसाने के लिए सोमवार को तीनों अनि अखाड़े दिगंबर, निर्मोही और निर्वाणी की पेशवाई निकाली गई थी। इससे पहले किन्नर अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, श्री शंभु पंचदशनाम अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़े की पेशवाई निकाली जा चुकी है। ये सभी अखाड़े मेला क्षेत्र में स्थापित हो चुके हैं। आज से इनका प्रवास जो है वो मेला क्षेत्र में ही शुरू हो जाएगा। इनकी जो दिनचर्या है वो मेला क्षेत्र में ही आरंभ हो जाएगी। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।